तुझे कितना चाहता हूँ ना जाने कैसे ये बताऊंगा। बातें तो बहुत है कहने को, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। मैं वो आशिक नहीं जो चांद सितारे तोड़ लाए, पर जैसा भी आशिक हूँ कसम खुदा की अपनी आशिकी पूरी निभाऊंगा। करके तुझे ख्वाबों से दूर मैंने अपनी आंखें मीच ली, भुला दिए वो सारे पल, वो सारी यादें, वो हर एक मुलाकातें और वो तमाम रातें जो गुजरी हमारे बीच थी। लौटा दी तेरी हर वो चीज जो मुझे खुद से भी ज्यादा अजीज थी। दोनों वाकिफ हैं इस बात से कि गलती सिर्फ तेरी थी, पर लोग कहेंगे मुझसे कि मेरे लिए तो बस वो एक अनजान कनीज थी। हर इश्क में महक तेरे इत्र की हो ये जरूरी तो नहीं, हर लम्हा मुझे फिक्र तेरी ही हो ये जरूरी तो नहीं। देखी होंगी तूने मुझसे ज्यादा दुनिया, इस बात पर मुझे कोई इकरार नहीं, पर मेरी देखी एक छोटी सी दुनिया में हर पल तेरा जिक्र ही हो ये जरूरी तो नहीं। अब कुछ पंक्तियां कहने जा रहा हूं जो मैंने अपने ऊपर लिखी, जो मैं अपने कमरे में बंद होकर के लिखा करता था। वो बंद कमरा जानता है मेरे अंदर के हाल को, वो मुलायम तकिए ही जानते हैं मेरे मन में उमड़ते सवाल को, वो जेब में रखे रुमाल जानते हैं मेरे आंखों में आए आंसू का राज। सोचा नहीं बुलाऊंगा इन्हें, पर उन्हें याद कर फिर चले आए ये आज। वो कमरे की खाली दीवारें देखती है मेरे मासूम से चेहरे को, अलमारियां भी पहरेदार बनकर देती है मुझ पे पहरे हो। वो पलंग पर रखे चद्दर गद्दे पर लगी चादर सुनती है, वो पलंग पर रखे गद्दे पर लगी चादर सुनती है मेरे सुबह सुबह के रोने को। वो हल्की खुली खिड़कियां हवाएं देकर कहती है मुझे कहीं खोने को। उस रजाई से ऐसा मेरा नाता सा जुड़ गया है कि अब तो वो भी इन कानों में कहती है पहले वाला धूप कहीं इन हवाओं में उड़ गया है। अब कुछ समाज की बातें हैं जो बेसिकली लड़कियों के ऊपर है कि लड़कियों को किस तरह से ट्रीट किया गया, और जो अभी आशिक इन सबके जो रेप के केस हुए हैं उन पे कुछ बातें हैं। 2.5 साल की परी थी, अकेले रास्ते पर खड़ी थी, आंखों से नंगा कर दिया उन्होंने जिनकी गंदी नजरें मुझ पर पड़ी थी। खिलौनों से खेलने की उम्र में किसी और का खिलौना बन गई, जो देखती थी हंसते खेलते सपने, आज खुद किसी का भयानक सपना बन गई। उन्होंने मेरा रेप किया, मेरी आंखें निकाली, हाथ काटे और कचरे के ढेर में फेंक दिया। अब भी मेरी रूह उस अल्लाह उस भगवान से पूछती है कि मेरे साथ भी ऐसा क्यों हुआ। देखो दरिंदगी की हद हुई, एक माँ बैठी बेहद रोई, इन मासूमों के दर्द को क्यों बांट सका ना कोई। एक नन्ही सी जान थी जिस पर लोगों की दुआएं कुर्बान थी, जिस शाम ये हादसा हुआ वो रमजान की शाम थी। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो रार चलती लड़कियों को छेड़ते हैं, ये हिंदुस्तान है मेरे दोस्त, यहाँ पीड़ितों को तो लोग सिर्फ घेर कर देखते हैं। खून खौलता है मेरा ये सब देखकर, चली गई बेचारी इस जिंदगी को छोड़कर, ये दरिंदे इस देश को खोखला कर देंगे। निर्भया, आशिफा, ट्विंकल, ना जाने और कितने इसके शिकार होंगे। धन्यवाद।